हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग फार्मेसी फार्मास जॉब इन कैनेडा लेकिन वो दोस्त जो जॉब की सर्च में हैं एंड विदाउट अपियरिंग इन द एग्ज़ाम लाइक पी ई बी सी और एनी एनी एग्जाम ऑफ कैनेडा बेसिकली जो पी ई बी सी है वो रिक्वायर्ड है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए लेकिन याद रखिएगा फार्म कनाडा में बहुत सारी ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं जिनमें किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती और वहाँ अगर आप सिंपली फार्मासिस्ट हैं आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसको आपको जो है ना जॉब की चांसेस हैं आज की इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपको एट टू नाइन ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गिनवाने जा रहा हूँ जो आप एज अ फार्मासिस्ट बगैर किसी एग्जाम में अपीयर के वो कर सकते हैं Uh, कुछ ऐसी चीज़ ऑलमोस्ट तमाम जॉब्स आपकी नॉलेज में हैं लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कनाडा में आपको ये जॉब भी मिल सकती है फॉर एग्जांपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कहते हैं और मेडिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं कनाडा में आप चूँकि मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं तो वहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की याद रखिएगा लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब्स है वो बहुत कम हैं लेकिन हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है हैं लेकिन कम है चूँकि कुछ रेगुलराइज रूल्स uh, और स्टैंडर्ड्स की वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन उसके बावजूद भी आपको मेडिकल रेप की जॉब मिल सकती है और सैलरी भी इज़ नॉट बैड लाइक सिक्सटीन टू एटीन डॉलर्स पर आवर आपको इन द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिल सकती है एक और जॉब है दैट इज फार्मेसी असिस्टेंट जॉब फार्मेसी असिस्टेंट जैसे मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि फार्मेसी में भी तीन करेक्टर्स uh, काम कर रहे होते हैं एक होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक होता है रजिस्टर्ड फार्मेसी टेक्नीशियन और एक होता है फार्मेसी असिस्टेंट जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि फार्मेसी हेल्पर जिसे हम कह सकते हैं तो ये आपको जॉब मिल सकती है थर्ड जॉब है क्वालिटी एश्योरेंस की क्वालिटी एश्योरेंस और जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की जो जॉब है मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आपको भी आ, ये जॉब मिल सकती है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिटेल ऑलरेडी आपकी नॉलेज में है अच्छा एक और जॉब होती है जो फार्मेसी में ही होती है दैट इज़ कार्ड ओ टी सी एसोसीट वॉट डज इट मीन ओ टी सी एसोसिएट का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ हम फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं प्रस्क्रिप्शन का सेगमेंट होता है प्रस्क्रप्शन की सेगमेंट होता है उसके अलावा मशीन्स आ, अवेलेबल होती हैं उसके अलावा ओ प्रोडक्ट होती हैं ओ टी सी मीन्स ओवर द काउंटर लाइक वो प्रेस, वो प्रोडक्ट जो आप बग़ैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी कफ़ सिरप ले लें हर्बल कफ़ सिरप हो गया मल्टीवाइटामस हो गए प्रोटीन्स हो गए प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन पाउडर्स की हम बात करते हैं और उसके अलावा कुछ नॉर्मल जो ओ टी सी होती हैं हेड एक फीवर एंड दैट वो भी आप आ, वो आप दे सकते हैं इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में भी आपको किसी भी जॉब एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर आप सिंपली अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है और अगर आपको कुछ अच्छी सेलिंग स्किल्स हैं तो ये जॉब भी आप आ, कर सकते हैं अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट की जहाँ हमारे मुल्कों में ये मशहूर है प्रोडक्शन एसोसिएट यानी जो जो फार्मास्यूटिकल केमिकल न्यूट्रासीटिकल uh, और uh, जो दूसरे uh, यानी uh, कुछ बेबी आइटम्स की प्रोडक्शन की जो कंपनीज़ uh, होती है वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट्स की ज़रूरत होती है यानी कि आप एज़ आ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और प्रोडक्शन यू नो ऑफिसर आप जॉब कर सकते हैं और इसमें भी आपको किसी भी किस्म की एग्जाम uh, की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस इज़ 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 एडेड एडवांटेज टू गेट दिस जॉब अच्छा अब हम बात करते हैं मेडिकल राइटिंग की याद रखिएगा कुछ आ, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जहाँ स्पेशली रिसर्च मॉलिक्यूल्स जो है ना उन पे काम हो रही होती है जितनी भी मल्टी से तकरीबन सभी की अपनी अपनी रिसर्च होती है तो इसके अंदर आपको एज़ अ मेडिकल राइटिंग एसोसिएट्स जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको लिटरेचर राइटिंग की हम बात कर देते हैं और इसके अलावा लीफलेट डिजाइन लीफलेट राइटिंग की हम बात कर देते हैं कुछ रिसर्च स्टडीज को एक्यूमलेट करके देना अपने बॉसेस वगैरह को लिए तो ये जिसको हम मेडिकल कोडिंग का भी एक कह सकते हैं कि मेडिकल कोडिंग की भी जॉब आपको मिल सकती है एज अ फार्मासिस्ट विदाउट एग्जाम इन कैनेडा अब हम बात करते हैं पैकेजिंग एसोसिएट्स की देखिए इसके इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने बात की प्रोडक्शन ऑफिसर प्रोडक्शन एसोसिएट इसी तरह पैकेजिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज में और बिग नेशनल कंपनीज में तो वहाँ पर भी एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है और ये पैकेजिंग एसोसिएट की जॉब आपको मिल सकती है विदाउट एग्जाम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सर्टिफिकेशन है आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है अपने मुल्कों में किसी दूसरी कंपनीज में तो आपको क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की जॉब भी मिल सकती है एंड विच इज समथिंग वेरी गुड प्रोफाइल जॉब और फाइनली दोस्तों हम हम बात करेंगे मेडिकल लैब असिस्टेंट के लिए जनरली मेडिकल लैब असिस्टेंट के लिए आपको पैथोलॉजी में मास्टर्स की हुई हो माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स की हुई हो तो आपको एज अ रजिस्टर्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट जॉब मिलती है लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट हैं अगर आपको थोड़ी भी बैकग्राउंड नॉलेज है तो आपको ये जॉब ऑफ लेब असिस्टेंट मिल सकती है एंड लेट मी टेल यू इन क्लियर इन इन सिंपल वर्ड्स दैट बेसिकली दिस इज द जॉब फॉर मेडिकल लेब हेल्पर आप हेल्प कर रहे होते हैं वाट शुड नो अपने सीनियर्स की तो दोस्तों ये कुछ जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री है इवन अगर आपके पास डिप्लोमा भी है बट यू हैव गुड प्रोफाइल गुड कम्युनिकेशन स्किल्स गुड इंटरपर्सनैलिटी स्किल्स तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये तमाम जॉब्स मिल सकती है वाइल यू आई स्टैंग इन कैनेडा सो उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो में हासिल हुई होगी तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव एनी क्वेश्चन दैन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स सो टेक वेरी मच केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच बाय